एवरीवन, राधे राधे, हैप्पी मकर संक्रांति। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। और ये जो संक्रांति है, सारी मुसीबतों को लेके जाए, भगवान करे सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाए सभी लोगों की। तो बस यही है दुआ सभी के लिए। तो आप लोग कैसे मनाते हैं मकर संक्रांति और मैं कैसे मनाती हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगी, और आप लोग कैसे मनाते हैं वो मुझे ज़रूर बताना। ये देखिए, ये पीछे बैकग्राउंड इग्नोर करना, बिल्कुल बिस्तर भी नहीं उठे क्योंकि बच्चे लेट तक थे यहाँ पे, और कपड़े भी ऐसे ही पड़े हुए हैं। उधर ट्राइपॉड मेरा टूटा फूटा पड़ा हुआ है, और मैं नहा ली हूँ, नहा के मेरी पूजा हो गई है, और बस अभी करूँगी पूजा की तैयारी। पूजा की हो गई है तैयारी, तो मैंने खिचड़ी भी छोंक दी है। बस मुझे अभी अभी बुक करनी है गौरी की पूजा, मैंने पिछले साल की थी, गौरी की वो किया था ना, वो चीज़ है। आपको मैं लगाऊंगी वीडियोस में। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने खिचड़ी निकालने के लिए रखी है जो मनसी जाती है, तो उसमें जो खिचड़ी में डलता है वही सब चीज़ें, घी और नमक, हल्दी और आलू वगैरह, ये मंदिर जाएगा। और यहाँ पे एक साइड मैंने खिचड़ी भी छोंक दी है, जो खिचड़ी वैसी बनती है दाल चावल की, वो वाली बनेगी मूंग की दाल की, और आलू मटर वगैरह डाल के मैंने छोंक दिया। मैंने सोचा इसको भी क्या शेयर करना, तो बस वो कर दिया है। और अब मैं आपके साथ शेयर करूँ, ये मेरी पिछले साल की वीडियो का क्लिप है जो मैंने गौरी पूजन किया था, तो वो मैंने किया था अपने मायके में। पिछले साल संक्रांति पर मैं अपने मायके थी, वो वीडियो भी अवेलेबल है चैनल पर, तो आप देख सकते हैं, उसी का क्लिप है। मैंने इस तरीके से गौरी पूजन किया था, ये देख सकते हैं आप। तो जैसे ऐसा होता है संक्रांति पे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो की जाती हैं हम लोगों में, जैसे कि मैंने यहाँ पे भरी थी पार्वती जी की मांग, तो उसका एक साल तक हम पूजा करते हैं, और जो अगली साल आएगी इस साल में आप करूँगी, इसका एक तरह से उद्यापन होता है, या जो भी सामान होता है वो श्रृंगार का, साड़ी वगैरह जो श्रृंगार में होते हैं, वो अब मैं इस साल दे दूँगी। तो ये पिछले साल का है ना, तो इस तरीके से मैंने पूजा की थी, और उसको हम एक साल तक करते हैं, और फिर अगली साल ये सारा सामान, पार्वती जी के श्रृंगार का सामान है और साड़ी ब्लाउज जो भी होता है श्रृंगार में, तो वो सब इस साल दे देंगे हम। तो मैंने इसलिए आपको दिखाया क्योंकि इस बार तो मैंने कुछ नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि आपको पता है घर में काम लगा हुआ है, तो मेरा घर ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो बनाती फिरूँ चारों तरफ। अभी एक ही कमरे में सिमट कर किचन में ही रह गया है मेरा। तो यहाँ पर इसी तरीके से मैंने गौरी माँ का श्रृंगार किया था, जो कि मेरी ये मायके की क्लिप है। ये मंदिर जो है मेरे ये मायके में मेरे घर में ही है, तो बस वही मैंने पूजा की थी इस तरीके से। तो यहाँ मैं आपको सामान दिखा रही थी जो मुझे अब देना है, तो ये है साड़ी ब्लाउज और एक ऊनी कपड़ा है, और श्रृंगार का सारा सामान है, मिठाई है, तो ये मैंने रख लिया है जो अभी मैं पूजा करूँगी गौरी माँ की, दोबारा से मांग और श्रृंगार करूँगी, और फिर उनको भी मंस करके मैं दे दूँगी। तो ये जो ननंद होती हैं, सुहागन सास होती हैं, उनको दे दिया जाता है। तो जैसे मेरी भाभी ने किया था पिछले साल, तो मेरा उन्होंने मुझे दिया था, मैं अपनी ननंद को दूँगी। तब बस यहाँ पर मेरी तब तक बन के हो गई थी खिचड़ी तैयार, तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए मक्खन के साथ। क्या लाया है? बुड्ढी के बाल दिखाना, कैसे पिंक पिंक बुड्ढी के बाल, पिंक होते हैं बुड्ढी के बाल, हाईलाइट हो गए होंगे दिखा। अरे वाह, मुझे भी खाने हैं भाई, ये तो मुझे भी खाने हैं, अच्छे लगते हैं ना। नहीं, पहले सबको खिलाओ, अब मुझे खिला दे। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही थी कि जो काम लगा हुआ है वो अभी बीच वाली मंजिल में है, जहाँ पर मेरी किचन है, क्योंकि अभी जो मेरा काम है ना वो किचन में लगा हुआ है। ये देखिए, अब मेरी किचन भी काफ़ी बड़ी हो जाएगी और देखने में भी सुंदर लगेगी। और ये आप देख रहे होंगे बिल्कुल चेंज हो रहा है मेरा घर जो है, वो मैं बाद में आपको दिखाऊँगी। ये जो वाला रूम है जो बच्चों का था, तो ये पूरा अब बिल्कुल बदलने वाला है जो एरिया है हमारा ऊपर वाला, तो मैं फिर दिखा देती हूँ। ये बाथरूम में ये भी इसमें भी काम होगा, ये भी बड़ा जैसा हो जाएगा। तो बस यहाँ पे मम्मी अपना आग जला के ताप रही थी, यहाँ राघव बना रहा था ना ये वीडियो, तो राघव से हंस रहे थे ये लोग, मजाक कर रहे थे कि वीडियो क्यों बना रहे हो। तो सारा ही चेंज हो गया है। उसके बाद ये शाम का क्लिप है, यहाँ मैंने बनाई है चटनी। चटनी क्यों बनाई है, ढेर सारी चटनी बनाई है, खट्टी सी अच्छी सी, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ मंगोड़े, क्योंकि संक्रांति पर मंगोड़े बनते हैं। तो ये देखिए, मैंने दाल ली है मूंग छिलके वाली, इसको मैंने छिलका नहीं उतारा है बिल्कुल भी, ये गला दी थी मैंने 2-3 घंटे पहले, तो अच्छे से गल गई थी, और इसके छिलके मैं बिल्कुल भी नहीं उतारूँगी, क्योंकि इसी से आपके जो मंगोड़े हैं ना वो क्रिस्पी बनेंगे छिलके से ही।
तो बहुत टेस्टी बनेंगे। तो ये मैं अभी क्या कर रही हूँ, इसको पीसूंगी थोड़ा दरदरा, मिक्सर के जार में मैंने डाल दिया है। और आज के जो मैं मकोड़े बना रही हूँ वो आप देखेंगे कि अंदर से सॉफ्ट होंगे और ऊपर से क्रिस्पी होंगे बहुत। तो ये देखिए मैंने पीस लिया है दाल को, थोड़ा दरदरा पीसा है, क्योंकि मकोड़ों के लिए जो दाल होती है वो दरदरी ही अच्छी लगती है, तभी मकोड़े अच्छे बनते हैं, नहीं तो फिर वो ठोस जैसे हो जाते हैं। तो यहाँ पर दाल हो गई तैयार, और अब यहाँ पर मैंने एक साइड तेल भी चढ़ा दिया। और अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये सब्ज़ी काट के रखी है, यहाँ पे हरा धनिया है, खूब सारा हरा धनिया और प्याज, हरी मिर्च, अदरक, और ये आलू है कच्चा, इसको मैं ग्रेट करके डालूँगी जिससे कि आपकी पकौड़ी बहुत टेस्टी बनेंगी। तो ये देखिए मैंने अभी थोड़े से पहले इसमें मसाले मिलाऊँगी, इससे पहले निकाल लेती हूँ भोग के लिए, जिसमें कि मुझे प्याज नहीं डालनी है, तो इसके पहले भोग के बना के फिर प्याज वगैरह डालूँगी मैं। तो यहाँ पे ऐड करेंगे हम इसमें मसाले, जो कि लाल मिर्ची का पाउडर है, थोड़ा ही डालूँगी क्योंकि फिर बच्चे नहीं खा पाएंगे, और एक चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हींग। तो हींग डिब्बी में ही थी पिसी हुई, थोड़ा सा मैं वही डाल दूँगी क्योंकि हींग ज़रूरी होती है इनमें, अच्छा टेस्ट भी देती है और पेट के लिए भी अच्छी रहती है। अब हम ऐड कर देंगे इसमें सारी सब्जियां जो हमने काट के रखी थी, प्याज, धनिया और हरी मिर्ची। धनिया से क्या होता है पता है आपको, धनिया जितना आप डालते हो ना तो वो उतना यहाँ पे जो पकौड़े होते हैं ना आपके मकौड़े, वो क्रिस्पी बनते हैं और काफ़ी सॉफ्ट भी होते हैं अंदर से, और बहुत अच्छा टेस्ट देता है धनिया। तो अब मैं यहाँ पे जो आलू है उसको ग्रेट कर लूँगी, आलू को मैंने धो लिया है अच्छे से, और ग्रेट करके, अगर आप पहले ग्रेट करेंगे तो आलू काला हो जाता है, इसलिए मैं साथ के साथ ग्रेट कर रही हूँ और साथ के साथ डालती जा रही हूँ, जिससे कि आलू जो है आपका काला नहीं पड़ेगा। तो आलू ग्रेट करके मैं किस लिए डाल रही हूँ ये आपको बता देती हूँ, वैसे तो आप काट के भी डाल सकते हैं, पर इससे क्या होगा, जैसे कि आपकी जो मकौड़ों की अंदर से सॉफ्टनेस बनी रहेगी आलू की वजह से, और बाहर वो जो है क्रिस्पी हो जाएंगे, क्योंकि दाल हमने छिलके वाली ली है इसलिए, और हरे धनिए से। तो यहाँ पे अब ऐड किया है मैंने नमक, नमक सबसे लास्ट में ऐड किया था। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे सामान को जो हमने ऐड किया है इसमें। आप यहाँ पे एक चीज़ और डाल सकते हैं जैसे आप चाहें तो, जैसे प्याज हरी वाली होती है ना वो भी आप डाल सकते हैं, या थोड़ा सा पालक भी ले सकते हैं उसके साथ में तो वो भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो सब्ज़ियाँ ली हैं वही ली है। तो हरा धनिया मेरे यहाँ काफ़ी डलता है, अब ये मैं भोग के लिए कर रही हूँ, तो भोग के लिए मैं थोड़ा हरा धनिया डाल दिया था, और मैंने भोग के लिए पहले बना दिए थे। और ये देखिए अब मैं बना रही हूँ यहाँ प्याज वाले भोग के, पहले आप देख सकते हैं कढ़ाई में पड़ा था, तो मैं छोड़ती जाऊँगी इनको। और एक तरीका मैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर छूट रहा है ये, तो एक तरीका मैं आपको और बताती हूँ यहाँ पर इनको डालने का। आप इनको हाथ में लीजिए और हथेली में थोड़ा सा ऐसे राउंड राउंड करके वो गोल बन जाते हैं, जैसे आपको गोल बिल्कुल शेप देनी हो, मैं आपको ये भी दिखाती हूँ। देखो इस तरीके से करिए, हाथ में लीजिए और हथेली में थोड़ा सा घुमाइए तो वो गोल बन जाते हैं ऐसे, ये देखिए इस तरीके से, तो एक साइज आता है और गोल गोल भी हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने ये छोड़ दिए हैं तेल में, और ये मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ, जैसे पकोड़े हुए, मंगोड़े हुए, ये चीज़ें सरसों के तेल में ही अच्छी लगती हैं रिफाइंड के अकॉर्डिंग, रिफाइंड में इतनी अच्छी नहीं लगती हैं। और पता है ये सब मैंने कब बनाया था, पहले सारी किचन साफ़ किया, आप देख सकते हैं किचन में काम लगा हुआ था, इतनी गंदी मेरी किचन हो गई थी ना, इतनी गंदी धूल धूल, तो पहले सारी किचन को मैंने साफ़ किया तब मैंने बनाया। और ये भोग की प्लेट है तो मैं ये भेज रही हूँ भोग के लिए, और इनको सेक देती हूँ, इनको मैं तुरंत नहीं पलटूंगी नहीं तो फिर ये चिपक जाएंगे, ये पहले थोड़े से ऊपर से भी हल्के से वैसे हो जाएं जैसे कि पलटने में चिपके ना। तो यहाँ पे बस इसी तरह से इनको उलटते पलटते हुए सेक लेंगे करारे होने तक और इनका कलर चेंज होने तक, अंदर तक सेक जाएं, ऐसा ना हो कि अंदर तक कच्चे रह जाएं, और गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखें, नहीं तो फिर तेज़ से क्या होता है ऊपर से तो लगते हैं कि सेक गए लेकिन अंदर से खाते हैं तो कच्चे रह जाते हैं, इसलिए अंदर तक सेकने चाहिए तभी ये अच्छा टेस्ट देते हैं। तो बस यहाँ पर मैं उलटते पलटते इनको इसी तरीके से सेक लूँगी। सिक चुके हैं, इनको निकाल लेते हैं कढ़ाई से बाहर, थोड़ा सा ऑयल रह जाता है तो ऐसे निकालें कि ऑयल थोड़ा सा निकल जाए इसमें से।
तो बस अब लगा लेते हैं प्लेट। ये मीठी चटनी है और ये खट्टी वाली चटनी है, तो यहाँ पर लग चुकी है प्लेट। तो ये देखिए, बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी बने हैं हमारे मंगोड़े। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और इसी के साथ मैं करती हूँ वीडियो का एंड। मिलूंगी आपसे नए से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।